स्टूडेंट स्वागत है आपका ऐसी क्लास यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की, जो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है इन ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे, राइट एंगल है हमारा बी पे। ए बी इक्वल्स टू 24, अगर हम ए यहाँ और सी यहाँ पे लिखते हैं तो ए बी क्या है, 24 है और बी सी कितना है, 7 है। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो इनको निकालने के लिए हमारे पास तीनों साइड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो साइड्स तो दिया गया है, तीसरा साइड हमें नहीं पता है। तो तीसरा साइड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के हम तीसरा जो साइड है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 24 का स्क्वायर प्लस में बेस हमारा 7 का स्क्वायर। 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 576, यह आ जाएगा 49। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पे हमारे पास 625 आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और फिर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 25 हाइपोटेनियस आ गया। इसका हाइपोटेनियस कितना आ गया, 25। अब हम आसानी से साइन ए और कॉस ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,